हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा रैपिड रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव मेनली जो सॉल्व करना है, कंटेंट करना नहीं होना चाहिए। इसमें आपको क्या देखना है, आपको की पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ में मैं पैटर्न्स के बेसिस पे आपको बताते रहूंगा, उनको जरूर प्रिपेयर कर लेना क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। तो पहली चीज तो की पैटर्न्स देखेंगे, दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पे पता चलेगी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, और जो आप देखोगे, आप खुद से देखोगे कि यार ऐसे जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में जो है इस टाइप के क्वेश्चन में देखा गया कि जो है स्टेटमेंट्स में कई बार इनर कॉन्ट्रडिक्शन होती है या कई बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मोस्टली गलत होते हैं, ठीक है। तो जब आप ये चीज देखोगे तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप यहाँ पे जो है करते वक्त समझोगे, जो आप अपने मेन जो है प्रिलिम्स में अप्लाई करोगे, राइट। और वहां पे आपको ट्रस्ट में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, देर आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसपे बार बार क्वेश्चन पूछे गए, राइट, उसको भी हम देखेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट कंटेंट है वो भी, जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ टॉपिक्स आपको खुद से मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बार उनको जो है गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अल्टीमेटली, क्योंकि देखिए SNT साइंस एंड टेक में क्या होता है, करंट अफेयर्स, अभी आप देखोगे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चंस कम होते हैं, इसीलिए इसमें जो है आपका कंटेंट का रेलेवेंस जो है कम हो जाता है, क्योंकि कोई चीज ऐसी पूछ ली है जो पास्ट ईयर में आपकी आपके लिए करंट अफेयर्स में थी बट अब रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। बट उसके बेसिस पे हम जान सकते हैं कि इस बार क्या करंट अफेयर्स में से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रूट्स इन अ कोल्ड चेंबर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, सो आप सब जानते हो जो कोल्ड स्टोरेज होता है, कई बार जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो पेरिशेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, वो ज्यादा समय तक प्रिजर्व रहे, ठीक है, कि खराब ना हो, ओके। सो क्यों ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई, इट वांट्स टू नो व्हाई। देखो अभी कभी काफी उसमें देखोगे क्वेश्चंस में व्हाई पे बहुत फोकस किया गया है, ठीक है, कि व्हाई ऐसा क्यों करते हैं, कुछ करते हैं हम साइंटिफिकली बट ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, आपको साइंटिफिकली बताना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट है, एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज इन द एनवायरमेंट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज एंड देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो एक चीज तो आप सब जानते हो कि अगर ह्यूमिडिटी में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो है वो ज्यादा जल्दी जो है पेरिश कर जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये तीन चीजें हैं, अब देखो इसमें एक चीज मैं बताता हूं, जो आपके कोई भी फ्रूट है, कोई भी फ्रूट है वो क्या करता है, फ्रूट ऑल्सो रेस्पायर, रेस्पिरेशन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जो फ्रूट्स होते हैं आपके वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है प्रोसेस, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन को यूज करके जो आपका जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और फ्रूट्स जब रेस्पायर करते हैं तो उनका क्या होता है, दे राइपन, राइपनिंग होती है, और अगर उनका ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, नाउ दिस इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, सो इस केमिकल प्रोसेस को हमें स्लो डाउन करना है, ठीक है। अब इसको स्लो डाउन करने के तीन तरीके हैं, एक है कि टेम्परेचर कम कर दो, दूसरा है कि ऑक्सीजन कम कर दो, ठीक है, तीसरा है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर दो। ये तीन तरीके हैं जिससे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, पर अगर ये चीजें करेंगे तो इसमें फिर भी फ्रूट्स क्या हो सकते हैं, दे कुड यू नो वो सड़ सकते हैं, फ्रूट्स खराब हो सकते हैं, राइट। बट जब टेम्परेचर डाउन करते हो तो इसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जो अगर स्लो डाउन हो जाता है तो राइपनिंग, उस फ्रूट की जो राइपनिंग है वो डिले हो जाती है और इसलिए उसकी शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये सेम एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि वेजिटेबल जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं दे ब्रीथ, ब्रीथ तो अप्रोप्रियट नहीं होगा, अप्रोप्रियट होगा बोलना रेस्पायर इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब आप फ्रूट्स को तोड़ लेते हो उसके बाद भी उसके अंदर रेस्पिरेशन का केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है, और उसी केमिकल प्रोसेस को जिसमें वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को जो है स्लो डाउन करने के लिए टेम्परेचर कम करते हैं, अगर उसको स्लो डाउन कर लेंगे तो फ्रूट्स की राइपनिंग डिले हो जाएगी, तो उससे जो है फ्रूट्स का शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है कि क्वेश्चन है कि मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, तो देखो
साइंस एंड टेक में एक चीज देखोगे कि सिंगल स्टेटमेंट या बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ट्रांसप्लांटेशन का क्या है, राइट, तभी आप समझ पाओगे। तो ट्रांसप्लांटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक सीड लेते हैं, उसको वी टेक अ सीड और उसको किसी ऑप्टिमल कंडीशन में, इन एन ऑप्टिमल कंडीशन हम ग्रो करते हैं उस सीड को, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस नर्सरीज हो गई ना, ग्रीन हाउस नर्सरीज होती हैं, उसमें उनको ग्रो करते हैं जहाँ ऑप्टिमल कंडीशन, जब वो हैच हो जाती है सीडलिंग्स, राइट, छोटे छोटे पौधे होते हैं, फिर उनको वहां से जो है निकाल के ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट मतलब एक लोकेशन से दूसरी जो लोकेशन में ले जा उस प्लांट को जो है ग्रो करते हैं, ठीक है, ले जाते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली इस प्रोसेस में ये जो होता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं, जो सीडलिंग्स होते हैं, उनकी रूट्स आती हैं और रूट्स में उनके हेयर्स होते हैं, राइट। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट और वाटर के इनटेक के लिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जब ट्रांसप्लांट आप कर रहे हो तो जो रूट हेयर्स हैं, राइट, ये रूट हेयर्स जो है कई बार उसमें जो है डैमेज हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं। और इसी के कारण अगर किसी भी प्लांट के लिए उसको जो वाटर और न्यूट्रिएंट मिलने वाला जो मेन सोर्स था, जो उसके लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट लेता था, रूट्स, रूट हेयर्स, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उसके कारण क्या है, उस प्लांट को वाटर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो देन दे वुड नॉट ग्रो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट बिकॉज ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन जो प्लांट के रूट हेयर्स होते हैं, जो उसके न्यूट्रिएंट और वाटर के इनटेक में हेल्प करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, दे गेट डैमेज और लॉस्ट, और एज अ रिजल्ट जो है जो ट्रांसप्लांटेड जो सीडलिंग है उसको जो है वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, और अगर प्लांट को वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो इट वुड नॉट ग्रो, ठीक है। तो द आंसर इज सी, राइट। एंड द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। बेसिक्स तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, बट आई वुड से कि एक बार इसको जरूर देखना कि क्या होता है ये, ठीक है। तो क्योंकि इस पे आप देखोगे बार बार क्वेश्चन आए, आगे देखोगे हर बार जो है क्वेश्चन आए। और एक और चीज, दिस इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ टेक्नोलॉजी। अब देखना एक पैटर्न आप देखोगे, जो भी क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है नॉर्मली उनका आंसर होता है डी, ठीक है। इसका भी आंसर डी है, पर जितने भी क्वेश्चन जो इस टाइप के होते हैं, जो किसी टेक्नोलॉजी को लेके कहते हैं कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, राइट, उन सब का जो है आंसर मोस्टली, मोस्टली, सी आई एम नॉट सेइंग 100% टाइम, बट आई एम सेइंग मोस्टली इट इज डी। और ये देखो अभी आप खुद ऑब्जर्व करोगे इसमें, ठीक है। सो अगेन कई बार ऐसा होगा कि मान लो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, आपने अपना गेस वर्क लगा के मान लो ये और ये इलिमिनेट कर दिया, अब आपको इन दो में गेस लेना है, देन यू कैन इजिली गो फॉर ऑप्शन डी, ओके। जब गेस वर्क लेना है तो ध्यान रखना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें नॉर्मली आंसर इज डी। अब इसमें देखो, अगर आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड अगेन ये 2013 में इसलिए आया क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है बार बार न्यूज में रहती, राइट, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन ही है ये, ऐसा नहीं कि अभी रेंडमली आपको आ जाएगा। सो प्लीज ध्यान में रखना, अगर रीसेंट पास्ट 1 ईयर में कोई भी टेक्नोलॉजी न्यूज में आई है तो वो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, उसके फीचर्स क्या है और उसके एप्लीकेशन क्या है। तो 3 चीजें, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है जो करंट अफेयर्स में आई है, तो वॉट एग्जैक्टली इट इज, उसके फीचर्स क्या है, राइट, हाउ इट वर्क, हाउ इट वर्क, और उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स इन 3 जगहों पे ही बनते हैं, ठीक है। तो देखो अब रिकॉम्बिनेंट, इसका आंसर तो डी है, बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग यही करते हैं कि मान लो हमें एक प्लांट है या कोई भी एनिमल है जिसमें एक डिजायर्ड ट्रेट चाहिए, उस ट्रेट के लिए हम जीन ढूंढते हैं कहीं पे, राइट। जैसे आपको सबको पता है जीएम कॉटन क्रॉप है, राइट। सो ये कॉटन जो है क्रॉप है, इसमें क्या करते हैं हम जो है, एक सॉइल बैक्टीरिया होता है, सॉइल बैक्टीरिया, उससे एक जो है जीन लेते हैं और वो जो है इसमें डाल देते हैं, ठीक है। सॉइल बैक्टीरिया से जीन इसमें डाल देते हैं ताकि ये जो है पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाए। कौन से पेस्ट को, अमेरिकन बॉलवॉर्म। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, लेट मी जस्ट और अच्छे से क्लैरिफाई करने दो। ये जैसे आपका जीएम कॉटन है, ठीक है। अब करते क्या है, ये जो कॉटन है इसकी प्रॉब्लम क्या है, इस पे पेस्ट का अटैक होता है, पर्टिकुलरली अमेरिकन बॉलवॉर्म। अब हमें इसको बनाना है पेस्ट रेसिस्टेंट, तो उसके लिए एक जो ऐसा जीन इसमें डालना पड़ेगा जिससे जो है ये पेस्ट रेसिस्टेंट बने। तो ये जीन हमने कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा, एक बैक्टीरिया है,
में ही बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से हम जीन निकालते हैं, Cry1ACG। और ये जीन जो है फिर हम जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं थ्रू विच टेक्नोलॉजी, थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस प्लांट को जो है एक जो है वो डिजायर्ड ट्रेट पेस्ट रेसिस्टेंस का देते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, आप जीन कोई भी डिजायर्ड जीन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेके कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे काम करता है ये, अगेन यहाँ पे ये कंफ्यूज मत करना, बैक्टीरियल डीएनए है ये, प्लाज्मिड वेक्टर। अब देखो प्लाज्मिड वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल होता है, मतलब उस बैक्टीरिया में, मतलब जो है उसके क्रोमोजोम में नहीं होता, क्रोमोजोम के बाहर होता है। ठीक है, एंड इट कैन रेप्लीकेट। ओके, सो ये जो प्लाज्मिक वेक्टर है उस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली इट इज अ जेनेटिक सीजर। ठीक है, जेनेटिक सीजर। तो एक कट लगाया हमने, और ये जो कट है, ये जो डीएनए प्लाज्मिक डीएनए में कट लगाया, इसमें जो डिजायर डीएनए पिक डीएनए, क्योंकि पिक डीएनए से लेके हम इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इंसुलिन पिक डीएनए, मान लो ये एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, एक और तरीका है जो, ठीक है, वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और ये लाइगेज क्या है, लाइगेज चिपकाने के लिए, एक चीज कट करने के लिए होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और लाइगेज क्या होता है पेस्ट करने के लिए, कट पेस्ट। ठीक है, कट पेस्ट कर दिया और ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको जो है इस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जब बैक्टीरिया जो है क्या करेगा, अब ये डीएनए क्या है, ये पिक डीएनए क्यों लिया है, ये पिक डीएनए बेसिकली क्या है, कोड होता है, डीएनए जीन, सॉरी पिक डीएनए से एक जीन लिया है हमने, राइट। वो क्यों लेते हैं जीन, कि वो जीन बेसिकली क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने का इंस्ट्रक्शन होता है। और जब हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया को इंस्ट्रक्शन मिल गया कि ऐसे इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा और बैक्टीरिया जो है एज पर दिस इंस्ट्रक्शन इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ठीक है, और जो इंसुलिन को फिर हम यूज करते हैं, कई लोग जो डायबिटिक होते हैं वो उसको एज अ जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो दी आंसर इज डी। आई होप रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके लिए क्लियर होगा। ठीक है, मैंने आपको दो एग्जांपल दे दी कि कैसे पिक डीएनए से एक जीन लेते हैं हम, राइट, वो जीन बेसिकली क्या करता है, जीन एक इंस्ट्रक्शन होता है फॉर मेकिंग इंसुलिन, वो हम जो है प्लाज्मिड में कट पेस्ट करके इंसर्ट करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उसको जो है ई कोलाई जो बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, फिर बैक्टीरिया को जब एक बार इंस्ट्रक्शन मिल गया तो बैक्टीरिया क्या करता है, इट इज वो जीन के अकॉर्डिंग, एज पर जो जीन है पिक डीएनए से लिया है उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करता है, एंड देन दैट जनरेट्स मोर इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रोजीजल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हैज बीन यूज्ड इन रिहैबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज माइक्रोरिजा इनेबल्स प्लांट्स टू। तो देखो ये एक बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोजीजल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिकली एक कोई भी ग्रीन प्लांट प्लस फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें प्लांट फंगाई को हेल्प करता है और फंगाई प्लांट को हेल्प करता है, और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। एंड अगेन दिस क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से, इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका आंसर है डी। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इसका आंसर भी है डी, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो जब ये आपका माइक्रोजियल वो कोलोनाइजेशन कर दिया फंगस के साथ, राइट, सो इट इंक्रीजेस रेसिस्टेंस टू फॉलियर पैथोजेंस, मतलब पैथोजेंस के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस हो जाता है, ड्रॉट टॉलरेंस भी, सॉल्ट टॉलरेंस भी। ठीक है, बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है, ये जो फंगाई है आपका माइक्रोरिजा जो फंगाई है, ये जो उसके साथ जो मिलके जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है ये, ठीक है, इसमें जो फंगाई है वो प्लांट को हेल्प करता है ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और वो लेने में, उसको एक्सट्रीम पीएच, ड्रॉट टॉलरेट करने में, डिजीज इन्वेस्टेशन करने में, जबकि फंगाई को क्या मिलता है प्लांट से, प्लांट फंगाई को जो है न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स चैप्टर से है, राइट, ऑप्टिक्स बेसिकली, सो कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें लगे हुए हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब। तो ये सारे फेनोमेना जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत सारे फेनोमेना हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, कई बार यूपीएससी उनके बिहाइंड साइंस क्या है उस पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग फेनोमेना, साइज ऑफ सन एट डस्क, कलर ऑफ सन एट डॉन, मून बींग विजिबल एट डॉन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई, एंड पोल स्टार बींग विजिबल इन द स्काई।
तो इनमें से कौन से जो है ऑप्टिकल इल्यूजन्स? ऑप्टिकल इल्यूजन्स मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं, बट बिकॉज ऑफ यू नो फेनोमेना लाइक स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सारे कुछ की फेनोमेना है, ऑप्टिकल फेनोमेनाज हैं, बिकॉज ऑफ दीज ऑप्टिकल फेनोमेनाज राइट कि हमें होती है ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब जो चीज जहां पे नहीं होती वहां पे हमें जो है विजिबल होती। जैसे एक चीज होती है मिराज, अगर आपने सुना होगा मिराज, ठीक है, सो मिराज भी क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। जैसे कई बार आप बहुत गर्मी हो रही है, राइट, देर इज अ लॉट ऑफ ही गर्मी हो रही है, कई बार आप रोड पे चलते हो, गाड़ी चला रहे हो या जा रहे हो, उसमें देखते हो कि आगे जाके दिख रहा है कि रोड पे पानी जैसा फील आता है, कि दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू मिराज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्टिकल इल्यूजन है आपके? इसका आंसर है आपका सी। अब जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। 1, 2 और 4, जो साइज है सन का एट डस्क वो ज्यादा बड़ा दिखता है, क्यों? क्योंकि डस्क पे आपको पता है कि जो सन से लाइट आती है वो बहुत सारे एटमोसफियर, लार्ज अमाउंट ऑफ एटमोसफियर से पास थ्रू करती है, राइट, कंपेयर टू नून। जस्ट लेट मी शो यू, ये आपका सन है, मान लो ये आपका अर्थ, उसका एटमोसफियर एटमोसफियर है। अगर मैं नून बोलूं तो नून पे सन आपका यहाँ पे होता है, तो बस इतना से डिस्टेंस से जो है आपकी लाइट पास करती है, जबकि अगर मैं बोलूं कि आपका सन जो है डस्क के वहां होगा, तो यहाँ पे आप देखो सनलाइट जो है बहुत ज्यादा, जो एरिया जो है, अगेन ये बहुत लंबा होकर के मैं बता रहा हूँ, तो सनलाइट जो है बहुत ज्यादा एरिया जो है एटमोसफियर में ट्रेवल करती है, वहां पे एटमोसफियर में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के कारण लाइट फैलती है, लाइट फैलती है तो जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि सन ज्यादा बड़ा है। इसी तरीके से जो कलर है सन का एट डॉन, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि रेड रेड लाइट जो है वो स्कैटर नहीं होती, ब्लू लाइट स्कैटर होती है, इसलिए कलर जो सन सन का एट डॉन है वो रेड टाइप से अपेयर करता है। इनफैक्ट आपका स्काई ब्लू क्यों अपेयर करता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। वाटर ब्लू क्यों अपेयर करता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी होता है बिकॉज ऑफ एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन, राइट। सो प्लीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन तो आपको आई होप पता होगा कि लाइट आई और एकदम जो है अपोजिट उसमें रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्रैक्शन ये होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, राइट, जाते वक्त जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ एंगल से बेंड हो जाती है, ठीक है। स्कैटरिंग ये है कि कुछ जो लाइट है जो सीधी लाइन में जा रही है, कुछ तो स्कैटर हो जाएगी अलग अलग जगह, कुछ जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एक और फेनोमेना है जो आपको पढ़ना चाहिए, और उसका प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कहाँ ये फेनोमेना आते हैं ये भी आपको जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मिराज एक बता दिया आपको, आपका स्काई ब्लू अपीयर क्यों करता है ये बता दिया, ठीक है। सो द आंसर इज सी, 1, 2 एंड 4। अगेन इसमें दो चीजें और, पोल स्टार बींग विजिबल इन स्काई, तो जो आपका बेसिकली अर्थ है ये एक्सिस है और पोल स्टार यहाँ पे, तो पोल स्टार हमें ना हमेशा क्या होता है, स्टेशनरी अपेयर करता है, इट इज बिकॉज बिकॉज वो रोटेशन की एक्सिस पे है, बाकी दूसरे जो स्टार्स हैं वो लाइक सन ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं, बट पोल स्टार के साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट इज जो एक्सिस है अर्थ की रोटेशन की उसके वही एकदम उस एक्सिस पे है, दैट्स वाई इट इज ऑलवेज विजिबल, और इसको इसलिए नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन को देख के पता लगाते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ऑप्टिक्स में आप देख रहे हो किस तरीके से पूछ लिया, ठीक है। सो इसमें तीनों फेनोमेना लगते हैं, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन। डिस्पर्शन जब होता है रेनबो में, आप देखते हो सात कलर में स्प्लिट हो जाती है लाइट, उस स्प्लिटिंग को ही हम बोलते हैं डिस्पर्शन। रिफ्रैक्शन इसलिए होता है कि जब जो है रेन ड्रॉपलेट्स जो होती है, ड्रॉप्स ऑफ रेन, उसमें जब लाइट जाती है तो एक तो स्प्लिट तो होती है, स्प्लिट होने के साथ साथ जो है वो रिफ्रैक्ट भी होती है, यानी थोड़ी बेंड भी हो जाती है, राइट, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जब भी होगा जब बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, ठीक है। और फिर जब वो दूसरी बार जो एक आपके जो रेन ड्रॉप के दूसरे साइड के उसको टच करता है, राइट, तब वो जो है फिर से और ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके कारण क्या है, पूरी की पूरी लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है विद इन द रेन ड्रॉप, ठीक है। सो ये तीन चीजें जो है, तीनों फेनोमेना के कारण आपका जो है ये जो है सनलाइट जो है क्या करता है, रेनबो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रेनबो मतलब सेवन कलर्स में स्प्लिट होना, मतलब डिस्पर्शन, और रेन ड्रॉप के अंदर जाता है तब रिफ्रैक्शन होता है, जब वापस रेन ड्रॉप से बाहर निकलता है बिकॉज पूरा उसका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है,
बिकॉज ऑफ दैट ओनली वो जो है रेन ड्रॉप से बाहर निकलता है. अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता ठीक है, तो उस केस में क्या है आपका वो स्प्लिट तो हो जाता बट जो है रिफ्लेक्ट होकर रेनबो नहीं बनाता. ठीक है, तो द आंसर इज डी कि तीनों चीजें जो है इन्वॉल्व है. नाउ दिस इज अगेन दिस इज प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड. ओके, करंट अफेयर्स बेस्ड है बट इसमें लेट मी टेल यू वोएजर 1 और 2 इसको प्लीज एक बार खुद से ब्रीफली देख लेना कि ये कहां पे पहुंच गए, वेयर हैव दे रीच्ड, बिकॉज दे हैव बीन सेंट फॉर यू नो एक्सप्लोरिंग आउटर सोलर सिस्टम. और अभी ये जो है इसको एक बार देखना है, ये जो है हीलियोस्फीयर में पहुंच गए राइट. कुछ ने तो क्रॉस भी कर लिया है ठीक है, क्विपर बेल्ट वगैरह इसको काफी आगे पहुंच गया. तो प्लीज वोएजर 1 और वोएजर 2 का जरूर देख लेना कि स्पेस में ये कहां तक पहुंच गए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये तो ठीक है. थर्ड आपका तीन ऑप्शन बचे दैट इट इज फॉर एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम. जहां तक कैसिनी ह्यूगेंस की बात है ये बेसिकली सैटर्न के लिए भेजा गया था, तो 1 इज रॉन्ग राइट. सो 1 इज रॉन्ग, सो इस टाइप से आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो. ठीक है, सो बी इज द आंसर. ठीक है, बाकी मैसेंजर जो है आपका मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मर्क्यूरी उसकी के लिए भेजा गया है. ठीक है, तो द आंसर इज बी 2 और 3 ओनली. ठीक है, वोएजर का पर प्लीज आई एम टेलिंग यू अभी आप जो है कॉपी लेके नोट भी कर लीजिए इन टॉपिक्स को. जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्लीज एक कॉपी लेके उन टॉपिक्स को नोट कर लो और उनको ब्रीफली एक बार थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च मार लो, तो ट्रस्ट मी उनमें से किसी ना किसी में बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि 4 मिसाइल पे. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट राइट. सो देखो अग्नि 4 मिसाइल जो है आपकी ये अगेन 2014 में टेस्ट की गई थी, अब तो अग्नि 5 आ गई है. और पहला क्वेश्चन जो है ये है इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड टू 7500 किलोमीटर अवे राइट. तो देखो एक चीज अगर बेसिक थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया होगा तो अग्नि 5 की रेंज है अराउंड 5000 किलोमीटर. ठीक है, और ये एक ICBM है. ठीक है, तो अग्नि 4 की कैसे इतनी ज्यादा हो सकती. तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं. कई बार देखो यूपीएससी में क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, कई बार क्वेश्चन देख के आप देखो कितनी इजीली हो गया. मेरे को बस एक स्टेटमेंट पता था और मैंने इतनी इजीली कर लिया कि सरफेस टू सरफेस है, फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट है. इतना किसको पता होता है, ठीक है, किसी को नहीं पता होता. बट मेरे को ये पता था कि अग्नि 5 है, उसकी 5000 रेंज है अभी. ठीक है, और वो ICBM है, तो इसकी जो है अग्नि 4 होगी, नेचुरल है कि उसकी उससे कम होगी. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द आंसर इज A1 ओनली. ठीक है, इस तरीके से देखो इलिमिनेशन का यही यूज होता है कि कई बार इनफैक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन कई जो है इसी टाइप से डिजाइंड होते हैं कि जो है इलिमिनेशन लगाओगे एक बार में आपको आपको जैसे अग्नि 4 मिसाइल है इसके बारे में एक ही एस्पेक्ट भी पता है तो भी आप जो है आंसर कर लोगे. इसलिए कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल पहला दूसरा स्टेटमेंट अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल लगे तो भी पैनिक नहीं करना. आई एम टेलिंग यू डू नॉट पैनिक. अगर पहला या दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा मुश्किल लगे आप सारे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना राइट. हो सकता है कि कोई एक स्टेटमेंट आपको पता चल जाए कि इसका कि ये सही है या गलत है, वो इलिमिनेट करने का यूज करोगे और आपका आंसर आ जाए. अब देखो इसमें ये टॉपिक अग्नि प्राइम प्लीज पढ़ लेना, ये रिसेंटली जो है टेस्ट फायर की गई है. ठीक है, और एक नया न्यू एज वेरिएंट है अग्नि का. ओके, अभी इसी साल में आया है, प्लीज इसको पढ़ लेना, बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है इस पे क्वेश्चन आए. ठीक है, तो इट हैज कितना है 4000 किलोमीटर उसका. ठीक है, इट इज सरफेस टू सरफेस और सॉलिड प्रोपेलेंट. अब अग्नि प्राइम इट इज न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास. ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज इसकी अग्नि प्राइम की थी कि इट इज अ कैनिस्टर्ड मिसाइल, मतलब एक कैनिस्टर में बंद मिसाइल होगी. कैनिस्टर में मिसाइल रखने का फायदा क्या होता है कि वो क्विकली कहीं भी लॉन्च क्विकली लॉन्च किया जा सकता है उसको, और उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन जो है ईजी हो जाता है. तो कैनिस्टराइजेशन या मिसाइल को कैनिस्टर में डालने का फायदा क्या होता है, दैट इट कुड बी क्विकली लॉन्च्ड फ्रॉम एनीवेयर. दूसरा, इट कुड बी इजीली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड. ठीक है, प्लस उसका वेयर टेयर भी जो है मिसाइल का कम हो जाएगा, वेयर एंड टेयर जो है या मिसाइल खराब होने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है. ठीक है, इसकी रेंज है 1000 to 2000 किलोमीटर. प्लीज इसको ध्यान में रखिए, इनमें से किसी एक पे आपको जो है स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, अग्नि प्राइम कैनिस्टर्ड मिसाइल 1000 to 2000 किलोमीटर, 2-stage सॉलिड प्रोपेलेंट एंड कैन कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड. ठीक है, बाकी अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है 5500 किलोमीटर और मोर,
थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूल एंड फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन समथिंग बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हो ट्रेंड और पैटर्न को पकड़ो, ठीक है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मान लो मेरे को ये पैटर्न पता है, ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं। इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और किस व्हाट एल्स कैन बी यूज्ड फॉर बायोमेट्रिक यू नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए और क्या यूज किया जा सकता है। तो यार मेरे को ये पता है फिंगरप्रिंट के साथ साथ आइरिस की भी स्कैनिंग होती है, आप सबको पता है आधार वगैरह इसमें लिया जाता है, या आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कई बार लोग आंख लगाते हैं अपने सेंसर के सामने, राइट, आयरिस स्कैनिंग भी यूज की जाती है, राइट। तो ये तो पता है, अब ये तीन हो गए। रेटिना की भी स्कैनिंग की जा सकती है, आई में जो है आयरिस या रेटिना दोनों की स्कैनिंग की जा सकती है, ठीक है। अब वन एंड टू तो है, ठीक है, तो वन एंड टू यहीं पे आता है, वैसे ही हो गया। बट मान लो मुझे ये नहीं पता होता, अब मेरे पास जो है मान लो मुझे बस वन पता है, ठीक है, अब मेरे पास तीन है ए सी और डी, अब मेरे को क्या करना है। अब मैंने ये देखा होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और मैंने देखा कि जहां पर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आते हैं वहां अब मेरे को तीन में तुक्का तो लेना ही है। अब वहां पर तुक्का मैं वही लूंगा जो है ये बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में नॉर्मली डी होता है, आंसर नॉर्मली होता है डी, ये तुक्का लूंगा और इसका आंसर जो है डी ही है, ठीक है, द आंसर इज डी ऑनली। नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेस, इनमें से कौन सी डिजीजेस इराडिकेट कर दी है इंडिया ने, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। अब अगर आपने UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है, राइट, और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप सबको पता होगा कि स्मॉल पॉक्स हैज बीन एलिमिनेटेड, ठीक है, स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया है, राइट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आया था आपका, ठीक है, 2014 में, ठीक है, कि स्मॉल पॉक्स को जो है इराडिकेट कर दिया है। तो थर्ड आपको पता है, थर्ड के अलावा वन एंड टू नहीं पता, तो या तो बी या सी हो सकता है, ठीक है, इतना तो पता है कि थर्ड है। अब दो में तुक्का लेना है तो आप सब जानते हो चिकन पॉक्स अभी भी होता है, ठीक है, डिप्थेरिया कई बार अभी भी हो जाता है, जो आपको वैक्सीन भी देते हैं उसके लिए, तो दी ऑप्शन जो है ये सी हट जाता है और बी ऑनली, ठीक है, बी ऑनली। अब देखो स्मॉल पॉक्स के अलावा जो है, स्मॉल पॉक्स इज दी ऑनली डिजीज, राइट, इसके अलावा जो है एक और डिजीज जो अभी रिसेंटली जो आप कर रही है वो है पोलियो, ठीक है। तो पोलियो और स्मॉल पॉक्स दो डिजीजेस हैं जिनको इराडिकेट कर दिया गया है, ठीक है, पोलियो को भी इराडिकेट कर दिया गया, इट हैज बीन इराडिकेटेड, ओके, प्लीज ये ध्यान में रखना। स्मॉल पॉक्स और पोलियो ये दोनों पैंडेमिक्स थे, ये दोनों को इंडिया ने जो है ऐसी डिजीजेस है जो अब इराडिकेट कर दिए, ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, डिफिशियंसी डिजीज और किस विटामिन के कारण कौन सी डिफिशियंसी होती है, सिंपल फ्रॉम द एनसीईआरटी। इनफैक्ट जो ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन है ना वो भी बेसिक जनरल साइंस की 6th to 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहां इंपॉर्टेंट ऐसे फेनोमेना देखोगे, वहीं से आए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी उठाओ ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है, विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है, बट विटामिन ए जो विजन से रिलेटेड होता है इसीलिए बोलते हैं कैरेट्स खाओ, कैरेट्स में आपके विटामिन ए होता है, दैट इज रिलेटेड टू नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होती है, की डिफिशियंसी के कारण होती है, ना ही विटामिन ई। थर्ड गलत है, वन एंड टू आर करेक्ट। अगेन नहीं आता तो मैं पहले ये करता, अब मेरे को दो में तुक्का लेना है, ठीक है, सो आई कैन इजिली यू नो कोई एक जो है तुक्का लेना होता है, तो वन एंड टू आर करेक्ट, ठीक है। बट अगेन यहाँ कोई भी अगर बेसिक पढ़ा होगा तो विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन बी वन बेरी बेरी, प्लीज इसको ध्यान में रखिए, ठीक है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वोंट टेक लॉन्गर टू हील। विटामिन डी रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, और विटामिन डी जो है सनलाइट के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो आपके बोन और टूथ का डिके होगा, ठीक है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी होगी तो गॉइटर होगा, दैट ग्लैंड जो नेक में आपका जो होता है वो स्वेलन हो जाता है, तभी जो है जो नमक है उसको आयोडीन से फोर्टिफाई किया गया है, ठीक है। इसीलिए विटामिन ए की डिफिशियंसी को करने के लिए देयर इज व्हाट समथिंग कॉल्ड गोल्डन राइस, जिसमें राइस में विटामिन ए फोर्टिफिकेशन किया गया, ठीक है। आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया, यानी जो है खून में जो है आयरन की कमी, वीकनेस आ जाती है उससे, ठीक है, आदमी पेल दिखने लगता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक डिजीजेस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यू कुड पॉज इट एंड सी दिस, ओके।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में आपको पता होना चाहिए। फिजिकल देखो, सॉलिड से लिक्विड कोई आइटम चेंज हो जाता है राइट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, तो ये फिजिकल चेंज होता है ठीक है। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो अब देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या जब आपका जो बर्फ है वो पानी बन जाता है तो इज इट अ केमिकल चेंज? नो, इट इज अ फिजिकल चेंज, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है वाटर का ठीक है। तो इतना तो हमें पता है कि टू नहीं है, तो मैंने दो तो काट दिए। अब जब भी आपके पास दो बचे हुए होते हैं, आपको तुक्का तो लेना ही है ठीक है। अब इसमें सोरिंग ऑफ मिल्क, जो आपका कर्ड बन जाता है, कर्ड दही बनता है ना, दही बनता है। तो दही में अगर आपको पता है बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया कुछ एक्शन लेता है राइट, उसके कारण जो है मिल्क का केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज होता हो जाता है ठीक है, और वापस उसको मिल्क भी नहीं बनाया जाता। सो दैट्स व्हाई थर्ड वन इज अ केमिकल चेंज ठीक है। सो द ऑप्शन इज बी, थ्री ओनली ठीक है। तो केमिकल चेंज जब होता है, जब कोई नई सब्सटेंस बनती है राइट, एंड यू नो अगर कोई सब्सटेंस बनने के बाद उसको वापस जो है न्यू कंपाउंड होता है, रिवर्सिबल चेंज नहीं होता वो ठीक है। अगेन ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है, ये बेसिक आप जो है एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां समझ में आ जाएगा आपको ठीक है। अगला ये जो है, दिस इज प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड ओके, प्योरली करंट अफेयर्स की जीईएसी कमिटी किसके अंडर आती है, और सिंपल है इसका, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये प्योरली करंट अफेयर्स प्लस फैक्चुअल है ठीक है। तो इस टाइप से कुछ फैक्चुअल और करंट अफेयर्स बेस्ड चीजें भी आपको जो है आनी चाहिए ठीक है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं ठीक है, ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसीलिए जो ऐसे फैक्चुअल चीजें जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें तुक्का नहीं लेना, बट यहाँ पे आप लॉजिक्स लगा सकते हो, आप चीजें समझ सकते हो। आपको अगर कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट में एप्लीकेशन ऑफ माइंड करो, चीजों को एलिमिनेट करो और यहाँ पे गेस रख लो। बट यहाँ जो फैक्चुअल है, अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता ठीक है। यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं चलती ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम ठीक है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स आर यूज्ड। जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स, जो IRS सीरीज ऑफ सेटेलाइट्स हैं, बहुत सारे जैसे रीसैट, कार्टोसैट ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे सेटेलाइट्स हैं, ये सारे रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स हैं ठीक है। तो किस पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है ठीक है। सो देखो, अब इसमें ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, बट अगेन इसमें पहले करो यूज एलिमिनेशन ठीक है। पहली चीज एलिमिनेशन, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी हाँ हो सकता है, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हो सकता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशंस नहीं। अगर आप इसरो की वेबसाइट पे जाओगे तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस अलग हैं, और उसके लिए सेटेलाइट सेट ऑफ सेटेलाइट्स अलग हैं, और टेलीकम्युनिकेशंस के लिए अलग है ठीक है। सो ये नहीं है, फोर नहीं है, फोर अगर नहीं है तो आपका बी और डी इलिमिनेट हो जाता है ठीक है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बनते हैं, वन टू थ्री एंड वन एंड टू ओनली ठीक है। कई बार देखो, इसीलिए यूपीएससी में हमेशा पहली चीज होती है एलिमिनेशन ठीक है। पहली चीज करिए एलिमिनेशन राइट, क्योंकि एलिमिनेशन करने से आपके लिए ऑप्शंस बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं। अब वन टू और वन टू थ्री में देखना है आपको, तो थ्री देखना है आपको कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं हम, जो ग्राउंड के अंडर है, तो मिनरल्स भी ढूंढ सकते हैं राइट। सो दी आंसर इज यूर ए, वन टू थ्री। नाउ कई लोग बोलेंगे ट्रैफिक स्टडीज के लिए भी यूज किया जा सकता है, बट देखो एक चीज मैं 100% बताता हूँ कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट जो है वो टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं हो सकते, इसके लिए आई एम 100% श्योर। दैट्स वाई मैंने एलिमिनेशन किया पहले, इसीलिए देखिए यूपीएससी में एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो ये दोनों हटाए और फिर उसके बाद जो है लॉजिक लगाया, गेसवर्क किया कि अगर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस है राइट, ग्राउंड में वाटर रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं, तो ग्राउंड में वाटर भी एक तरीके से एक रिसोर्स है, मिनरल्स भी रिसोर्स है। जब वाटर ढूंढ सकते हैं हम, तो दूसरे रिसोर्सेज भी ढूंढ सकते हैं यूजिंग दी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स, इनफैक्ट यूज किए जाते हैं ये ठीक है। सो दी आंसर, ये दोनों अगर हटाओगे तो आंसर बिकम्स ए ठीक है। अगला है, द टर्म इंडार्क समटाइम्स सीन इन न्यूज इज इन द नेम ऑफ। सो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये है प्योरली करंट अफेयर्स, प्योरली करंट अफेयर्स ठीक है, प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, पर यह समझना है कि ऐसा इन डार्क
या इस टाइप का, जब अगर आप करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे, अभी एक दिन तो एटलीस्ट आई होप आप दोगे करंट अफेयर्स रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारा करंट अफेयर्स होगा तो उसमें कुछ चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस से पढ़ना है, जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और कुछ चीजों को कम इंपॉर्टेंस से पढ़ना है, ठीक है। तो जब करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे होगे आप साइंस एंड टेक का, चाहे मंथली मैगजीन PT365 या कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो ऐसी यूनिक टर्म्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है उसको जरूर और अच्छे से पढ़ना, और क्या पर्पज है उसका, क्या जो है उसकी यूटिलिटी है, वो जरूर पढ़ना पढ़ना। तो द टर्म इंडाक समटाइम्स सीन इन न्यूज इज द नेम ऑफ, इसका आंसर है डी, इंडिया अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी आर्कटिक रीजन, ठीक है। आर्कटिक रीजन को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी इंडिया ने जो बनाई है, ये न्यूज में थी 2015 में, इसीलिए इस पे क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से आपको कोई और भी जो है ऐसी टर्म्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त मिले तो उसको प्लीज ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नाउ H1N1 वायरस समटाइम्स मेंशन इन न्यूज, अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड। तो अभी कौन सा वायरस है न्यूज में? अभी वायरस जो न्यूज में है एक आपका डेंगू है, अभी डेंगू फैल रहा है, अभी डेंगू की वैक्सीन भी बना ली है, ठीक है, DNA वैक्सीन बना रहे डेंगू की, ठीक है। और दूसरा तो सबको पता है SARS-CoV-2, ये किसका वायरस है? SARS-CoV-2, ठीक है। और प्लीज एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो कोविड है, ये जो आपका SARS के वायरस है, दो तीन अलग अलग टाइप के वायरस है, ठीक है। एक जो है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी मर्स करता है, एक ये वाला वायरस जो कोविड करता है, ये अलग है। तो ये सारे जो वायरस है, कोरोना वायरस अलग अलग टाइप की जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ H1N1 वायरस पढ़ा, राइट, तो ये बर्ड फ्लू, और काफी लोगों को स्वाइन फ्लू में कंफ्यूजन हुआ होगा। द आंसर इज डी, स्वाइन फ्लू, जबकि बर्ड फ्लू का है H5N1, ठीक है। तो इसी टाइप से अभी क्या क्वेश्चन बनता है, ये जो इम्पोर्टेंट कोरोना वायरसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट कोरोना वायरसेस हैं, जैसे जो जो आपका कोविड कोविड-19 डिजीज करता है, या जो आपका जो है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की डिजीज करता है, या जो और दूसरी डिजीज करते हैं, तीन चार इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस, और कोविड-19 का ध्यान रखना क्या है, SARS-CoV-2, ये वायरस का नाम है, प्लीज इसको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स। सो फ्यूल सेल्स पे क्वेश्चन है, इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो देखो एक चीज मैं बताऊंगा, ये भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स बेस्ड है, राइट, क्योंकि फ्यूल सेल पे बड़े आर्टिकल्स आए थे 2015 में कि उनको यूज करना है, ठीक है। तो ज्यादातर लेट मी टेल यू, 90% के अराउंड, 80-90% जो क्वेश्चन हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स से आते हैं। करंट अफेयर्स में भी किससे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, या टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन हैं, उन्हीं पे आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, बाकी 10-20% स्टैटिक है। तो अगर अभी आप दे रहे हो तो ज्यादा स्टैटिक पे मत फोकस करो, करंट में जाओ, टेक्नोलॉजीज को समझो कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व है, और उसके बारे में क्या की फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको समझो। कई बार इंपॉर्टेंट फीचर से एक स्टेटमेंट आप इलिमिनेट कर सकते हो और पूरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज एज फ्यूल, फ्यूल सेल इमिट्स हीट एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट, राइट। अगर प्योर हाइड्रोजन यूज करोगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वाटर, और क्या होगा, हीट एक एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर्स, तो दिस इज इनकरेक्ट। फ्यूल सेल्स क्या है, काफी जो है स्मॉल स्केल पे भी यूज की जा सकती है, इनफैक्ट बिल्डिंग्स को पावर करने के लिए हमें बहुत सारी फ्यूल सेल्स एक साथ जो है लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो स्मॉल चीजों के लिए जो फ्यूल सेल्स यूज की जा सकती है, बड़ी चीजों के लिए भी यूज की जा सकती है, बट अगेन बहुत सारे फ्यूल सेल्स के मॉड्यूल्स हमें एक साथ लगाने पड़ेंगे। द नेक्स्ट इज दैट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ AC करंट, नो, दिस इज DC। फ्यूल सेल्स DC करंट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सो ये भी आपका गलत है, द आंसर इज A1 ऑनली। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल सेल क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेती है, वाटर देती है, हीट देती है, और इलेक्ट्रिसिटी देती है, ठीक है। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। एनोड कैथोड पे रिएक्शन होता है ऑक्सीजन और उसका, और आपका जो है वाटर बाहर निकलता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से, और यहाँ से हीट जो है जनरेट करती है फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फ्लाई ऐश, तो ये थोड़ा इन्वायरमेंट रिलेटेड भी हो जाता है, इन्वायरमेंट रिलेटेड, होपफुली आपने इन्वायरमेंट फ्लाई ऐश क्या है उसको पढ़ रखा होगा, राइट। सो इसके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन,
फ्लाई ऐश कैन बी यूज फॉर रिप्लेसमेंट फॉर सम पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट. फ्लाई ऐश इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली. जब भी किसी स्टेटमेंट में ओनली आए, बी वेरी अटेंटिव, उसको जरा ध्यान से पढ़ना. एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट. अब हम इसी स्टेटमेंट को थर्ड वाले को एनालाइज करते हैं. देखो ये बोल रहा है फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है ओनली. पहली चीज और दूसरी साइड बोलता है कि डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट. तो देखो यार सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है, सिलिका. सिलिका क्या करता है, सिलिकोसिस. डिजीज कॉज करता है सिलिका, सिलिकोसिस. तो सिलिका इटसेल्फ इज टॉक्सिक. तो ये स्टेटमेंट ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है. तो यू कुड इलिमिनेट दिस स्टेटमेंट. या इवन कॉमन सेंस लगाओगे, जब आप कभी भी कोई बॉटल वॉटल खरीदते हो तो उसमें एक पाउच रखे रहते हैं ना सिलिका के, राइट. वो क्या है, ड्राई करने के लिए. उस पर लिखा हुआ होता है डू नॉट कंज्यूम हार्मफुल, क्योंकि वो टॉक्सिक है, राइट. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो थ्री को इलिमिनेट किया जाए. अब मेरे पास वन एंड टू और टू ऑनली बचता है, ठीक है. तो वन जो है करेक्ट है, यस, ब्रिक्स को के लिए भी यूज किया जा सकता है. और जो रिप्लेसमेंट जो है पोर्टलैंड सीमेंट में जो है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स यूज किया जा सकता है कॉन्क्रीट बनाने के लिए, ठीक है. अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो ये दोनों सही है. द आंसर इज ए, वन एंड टू ऑनली. बट एक चीज आपने देखी यहाँ पे, ओनली वाला स्टेटमेंट एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, ठीक है. तो इस टाइप के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स में ध्यान में रखिए, इस टाइप के एक्सट्रीम स्टेटमेंट और जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं उनको हमेशा जो है आप गलत मार्क कर सकते हो, ठीक है, राइट. तो आपका जो आंसर हो जाता है इसका ए. अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है. तो अगेन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी. सो नैनो टेक्नोलॉजी का इनफैक्ट एक सबसे बड़ा इंप्लीकेशन यही है कि बिकॉज ऑफ नैनो स्केल आप उसको जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो टू डिलीवर ड्रग्स इन अ टारगेटेड मैनर. मतलब अभी क्या होता है, जब हम ड्रग्स डिलीवर करते हैं तो क्या होता है, जिस टारगेट एरिया पर डिलीवर करना है उसके साइड पे भी उसका जो है इफेक्ट होता है. तो उसके कारण साइड इफेक्ट्स होते हैं. अगर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करेंगे तो बहुत बेटर तरीके से ट्रीटमेंट होगा प्लस साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे. सो दिस इज करेक्ट. और नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी. नाउ ये ऐसी चीज है जहां पे आप डाउटफुल हो गए. तो अगर ये करेक्ट हो गया तो हमेशा जो एक करेक्ट निकल जाता है उसके बेसिस पे अब आपके ये या फिर ये हो सकते हैं, ए या सी में से कोई हो सकता है, ठीक है. और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, नॉर्मली अगर आपको अब ब्लाइंडली गेस ही लेना है, राइट, अगर आपने देखो दो इलिमिनेट कर दिए और दो ही ऑप्शन में गेस लेना है तो नॉर्मली ज्यादा वाले ऑप्शन को जो है प्रिफर करना, ठीक है. तो यस, जीन थेरेपी में नॉर्मली क्या होता है, वायरल वेक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है. पर कई बार जो है नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम नॉन वायरल वेक्टर्स बना सकते हैं जो जीन्स को भी टारगेटेड साइट पे डिलीवर कर सकते हैं, जो जहां पे उनको डिलीवर करना है, और उनका एक्सप्रेशन जो है जीन का, यानी जीन जो है डिलीवर कर दिया प्लस वो जीन जाके वहां एक्सप्रेशन मतलब कि एक्टिवेट हो, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो प्रोड्यूस करे, वो जो है नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है. उस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है. सो दैट टू इज ऑल्सो करेक्ट, द आंसर इज सी, ठीक है. नेक्स्ट, अगेन इट इज करेंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है. करेंट अफेयर्स बेस्ड है कि मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में आइस क्यूब, इससे पहले आया इंडार्क, अब देखो आइस क्यूब. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ऐसी आती हैं उसको जरूर ध्यान से देखना है, ठीक है. और इसमें पूछा है कि इट इज अ पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड एट साउथ पोल, ठीक है. पार्टिकल डिटेक्टर है लोकेटेड साउथ पोल, इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है. सो इसका आंसर क्या है, क्या होगा कि क्या, वॉट इज दिस, इज इट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो. देखो आप अभी किसी भी एंगल से इसको आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है, क्योंकि ये न्यूज में तब आया था, तब के लिए रेलिवेंट था, अब के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है. तो आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे. बट अगेन यहाँ पे पर्पज आपका इसको आंसर करना नहीं है, आपको समझना है कि आइस क्यूब टाइप का टर्म आया तो देखो उस पर आ गया. तो जब आप करंट अफेयर पढ़ो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ रहे हो, तो ऐसा कोई की टर्म या यूनिक टर्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए तो उसको जरूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. उसके फीचर्स क्या है, क्या चीज है, वो जरूर पढ़ना है, ठीक है. यहाँ पे किस पे क्वेश्चन है, इसके फीचर्स पे क्वेश्चन है, आइस क्यूब के फीचर्स पे, कि क्या है. इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकम्पासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, ये करेक्ट है. इट इज अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर, ठीक है. इट इज बुरीड डीप इन आइस, तो क्या सही है इसका,
है, तो सारे स्टेटमेंट्स, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। बट अगेन, क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे जो है उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे मैं आपको टाइमर नहीं दे रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, ठीक है, आप उसको कर नहीं पाओगे, ठीक है, थोड़ा डिमोटिवेट होगे, क्योंकि देखो सेंस नहीं बनता जो चीजें, जैसे ये आइस क्यूब वाले की बात करते हैं, ठीक है। अगर आइस क्यूब वाले की बात करें तो अगेन ये उस टाइम पे आया था, अगर आप उस टाइम पे पढ़ते तो आपके लिए रेलेवेंट रहता। आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ यहाँ पे प्योरली कि आप देखो इस टाइप की चीजों पे जो है करंट अफेयर्स एक बार जरूर कर जाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसको देखने के बाद अच्छे से उसमें इस टाइप की चीजों पे जरूर फोकस करके जाना, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज अगेन रिगार्डिंग दी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC टेक्नोलॉजी। तो 2015 में अराउंड ये टेक्नोलॉजी काफी आई थी, ठीक है। आजकल तो आप सब यूज कर रहे हो कि जब अपने कार्ड्स के थ्रू NFC टेक्नोलॉजी आप टैप करते हो कार्ड, या जो है दूर से कर लेते हो, ठीक है। तो ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है। सो इसके बारे में टेक्नोलॉजी है, उसके फीचर्स देखो, टेक्नोलॉजी के फीचर्स या फिर उसके एप्लीकेशंस, इसी के अराउंड जो है क्वेश्चंस रिवॉल्व कर रहे, ठीक है। सो इट इज अ कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स, दिस इज करेक्ट, ठीक है। एनएफसी इज डिजाइंड टू यूज बाय डिवाइसेस व्हिच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो अगर आपने इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हो तो जो एनएफसी टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपको डिवाइसेस को क्लोज डिस्टेंस पे लाना होता है, ठीक है। एनएफसी टेक्नोलॉजी के लिए आपको डिवाइसेस पे काफी क्लोज डिस्टेंस पे लाना होता है, तो ये जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे नहीं यूज की जा सकती, ठीक है। ये जो है आपका गलत हो गया। तो अगर 2 गलत हो गया तो यही अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन, 3 ऑनली और 1 एंड 3 ऑनली, ठीक है। और हमने देख लिया कि 1 तो करेक्ट है, तो द आंसर बिकम सी, ठीक है। योर आंसर इज सी, 1 एंड 3 ऑनली, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट लून, अगेन करेंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है। ये न्यूज में था 2016 में, गूगल का बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जिससे सबको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आंसर तो भी हो गया। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं प्रोजेक्ट लून को जो है हटा दूं और यहां पर लिख दूं स्टारलिंक, स्टारलिंक आपने सुना है इसके बारे में, स्टारलिंक क्या है? प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएगा। एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो अर्थ को बहुत सारे जो है सैटेलाइट्स के थ्रू कवर कर लेगा और डायरेक्टली जो है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा थ्रू दिस स्टारलिंक, ठीक है। इसको प्लीज डिटेल में पढ़ना कि स्टारलिंक क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। बट अगर डिटेल में भी नहीं तो ब्रीफली अगर आपको आइडिया लगी गया होगा कि स्टारलिंक किस लिए है, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। स्टारलिंक बाय एलन मस्क की कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट है, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी का, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज लाइफाई, अगेन रिसेंटली इन न्यूज, ये टेक्नोलॉजी 2016 में काफी न्यूज में रही थी, ओके, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, और इसीलिए उस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया, ओके। सो अगेन, अगर आपने पढ़ा होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप इसको आंसर कर पाओगे। लाइफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी, तो इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। जब लाइट फिडेलिटी ही नाम है, जब लाइट ही है नाम में, तो डेफिनेटली दिस इज करेक्ट, इट यूजेस लाइट फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। बेसिकली लाइट जो जो भी डेटा ट्रांसफर ट्रांसमिशन होता है वाईफाई के थ्रू, वो दूसरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो है दूसरी फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती है उनको यूज करता है। लाइफाई जो है जो स्पेक्ट्रम में जो 300 to 700 नैनोमीटर के जो उसमें होती हैं, राइट, वेवलेंथ में जो लाइट जो विजिबल लाइट के उसमें आती है, यहाँ लाइट मतलब विजिबल लाइट के उसमें, उसको यूज करता है फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इट इज वायरलेस टेक्नोलॉजी, यस, एंड सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। तो आई थिंक काफी ऑब्वियस स्टेटमेंट है ये, ठीक है। डोंट यू कंसिडर कि वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई, ठीक है। तो देखो यही चीज है कि ये चीज अगर आपने पढ़ी होती तो बड़े आराम से समझ जाते, बट इतना तो आपको पता होगा कि वायरलेस है, एंड अगेन क्यों न्यूज में थी, क्योंकि इट इज मच फास्टर देन वाईफाई। बट इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। शॉर्टकमिंग्स ये हैं कि इट इज यू नो रिस्ट्रिक्टेड बाय लाइन ऑफ साइट, मतलब विजिबल लाइट है तो जहां तक विजिबल लाइट जा सकती है वहां तक सिग्नल ट्रेवल कर सकता है, जहां विजिबल लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो वहां पे सिग्नल ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वहां पे जो है डाटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आ जाता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, द आंसर इज सी,
नेक्स्ट इज एस्ट्रोसेट, अगेन एक सैटेलाइट था या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी जो किसने, इसरो ने लॉन्च की थी इन 2016। तो अगेन दिस इज अ करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बहुत क्लियरली देख रहे हो ट्रेंड, जैसे जैसे हम आगे के ईयर्स में जा रहे हैं करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, डी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस एस्ट्रोसेट बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिससे आप स्पेस में जो सारी दूसरी बॉडीज हैं स्पेस में उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, प्लस मल्टीपल वेवलेंथ में ऑब्जर्व कर सकते हो, एक ही वेवलेंथ में नहीं, मल्टीपल वेवलेंथ में आप इसको, यूवी हो गया, एक्सरे हो गया, इन सारी वेवलेंथ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो स्पेस को, ठीक है। और देखो इंडिया थर्ड नंबर पे नहीं है, इंडिया के अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन है, जापान है, राइट, रशिया है, नासा है, इन सब ने इंडिया से पहले स्पेस ऑब्जर्वेटरी अपनी लॉन्च कर रखी, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप जानोगे कि अदर देन यूएस रशिया, इंडिया इज ऑनली कंट्री टू हैव लॉन्च सिमिलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो अगर आपको यूरोप के गैलीलियो का पता हो तो वो भी उनकी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, उसमें वो उसको यूज करके जो है स्पेस में चीजें जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों गलत हैं, द आंसर इज डी। नेक्स्ट इज 26th, तो इंडिया इज इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ आईटर, ये भी न्यूज में है था, ठीक है। सारे जो है करंट अफेयर्स, तो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया, राइट, कि अगर ये जो आईटर जो एक्सपेरिमेंट है अगर ये सक्सीड कर जाता है तो इंडिया के लिए क्या इमीडिएट एडवांटेज है, ठीक है। तो देखो इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन, इट कैन अटेन ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन। अगर बस, तो ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको बस अगर आइटर का ब्रीफ आइडिया भी होता कि ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन से डील करती है, अगर इतना भी आइडिया होता आपको कि आइटर न्यूक्लियर फ्यूजन से डील करती है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, राइट। डी इज द आंसर दैट इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स। बट अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम मैं दे रहा हूं कि प्लीज इसको जरा गूगल सर्च मार के आइटर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट, और क्या क्या एस्पेक्ट्स है इसमें। और एक और चीज पढ़ना है आपको, टोकामैक क्या है, और अभी जो है चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन, चाइना, तो ये टॉपिक्स में आपको बता रहा हूं, लिख लो इसको, टोकामैक क्या है, आइटर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, और चाइना का आर्टिफिशियल सन, ये तीन टॉपिक्स प्लीज पढ़ लेना, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, यू कुड यू नो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको इस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आइटर मेंबर्स आर चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया, यूएस, राइट। सो इनका 35 ईयर का कोलैबोरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मंगलयान, तो 2016 में मंगलयान लॉन्च किया था इसरो ने, उस पे क्वेश्चन आ गया। तो एक और चीज नोट करो, नोट दिस, इसरो के इनिशिएटिव्स या इसरो के मिशंस, लॉन्चेस, सैटेलाइट्स, इस पे साइंस एंड टेक में क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो प्लीज ये तीन चीजें इसरो की वेबसाइट पे जाके देखना, ये सारे उसके क्या इंपॉर्टेंट मिशन है, क्या इंपॉर्टेंट लॉन्चेस है, क्या इंपॉर्टेंट सेटेलाइट है, ये सब पता चलेगा। जैसे यहाँ मंगलयान है, तो देखो ये क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मंगलयान अब जो है ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, फिर भी हम करेंगे इसको, बट इसके थ्रू हम क्या चीजें निकाल सकते हैं, क्या किस टाइप से पैटर्न निकाल सकते हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मंगलयान है उसकी जगह अब आपको आ सकता है गगनयान। गगनयान ये न्यूज में है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन इंडिया का, एंड दिस इज इन न्यूज, ये न्यूज में है, इस पे आने की पूरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा चंद्रयान 2.0 एंड 3.0, इस पे भी आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जो चंद्रयान 2.0, 3.0, और भी इसरो के जो दूसरे मिशन हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हैं रिसेंटली जो किए गए हैं, वो जरूर देखना आप, ठीक है, वो जरूर आप देखना क्योंकि उस पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हाई है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, MOM,
ठीक है। इंडिया इज सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेस क्राफ्ट इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स आफ्टर यूएसए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये एक्सट्रीम दिख रहा है, क्योंकि यूएसए और रशिया तो टक्कर में ही रहते हैं, ठीक है, थीके? यूएसए और रशिया तो टक्कर में ही रहते हैं, ठीक है। चाइना भी सेकेंड नेशन है, ठीक है, सो चाइना इज द सेकेंड नेशन, ओके। सो इंडिया नहीं है, चाइना है, ठीक है। और चाइना की बात की तो चाइना के भी जो तियांगोंग क्या है, तियाने क्या है, लॉन्ग मार्च वाई बी जो रॉकेट जो अनकंट्रोल्ड एंट्री की थी जिसने, ये प्लीज देख लेना इसको लिख के, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो ये गलत है, तो टू हटा दो, वन सही है। अब थ्री, मेड द इंडिया ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज करेक्ट, सो सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स टर्म ट्रांसक्रिप्टोम इज समटाइम्स सीन इन न्यूज। सो अगेन ये कुछ ऐसी चीज है जो अगर आपने रिसेंट की है, अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप कर पाओगे, नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इसका आंसर है बी, द फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनेल। अब यहां पे मैं आपको जो है एक चीज बताता हूं, एमआरएनए क्या होता है, प्लीज पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इसका नाम होता है मैसेंजर आरएनए। बेसिकली क्या होता है, आरएनए जो है जीन होता है आरएनए फॉर्म में, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल जो है जीन होता है आरएनए फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है एमआरएनए, बट प्लीज डू डिटेल में इसको पढ़ना, क्योंकि एमआरएनए वैक्सीन बनाई गई है कोविड की, ठीक है, और अभी तो डीएनए वैक्सीन भी बनाई गई है कोविड की, तो आपको ये चीजें भी खुद से कवर करनी होगी कि डीएनए वैक्सीन, इनफैक्ट करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सबको पता होगा कि एमआरएनए क्या है और डीएनए वैक्सीन क्या होती है, वो आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो प्लीज उसको जरूर रिवाइज कर लो। देखो एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है, किस प्रिंसिपल में वर्क करती है, इसीलिए इसी तरीके से डीएनए वैक्सीन क्या होती है, किस प्रिंसिपल में वर्क करती है। अगर आपको पता होगा तो इंडिया में जाइडस कैडिला ने डीएनए वैक्सीन, क्यों, जाइडस कैडिला ने जो है अभी रिसेंट फर्स्ट जाइकोवडी फर्स्ट डीएनए वैक्सीन लॉन्च की है, ठीक है। ऐसी डेंगू वायरस की भी डीएनए वैक्सीन पे वर्क किया जा रहा है, इसलिए डीएनए वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए। देखो नॉर्मली क्या करते हैं वैक्सीन में, हम क्या करते हैं, वायरस जो है या तो उसको डेड करके या उसको वीक करके, वायरस हो या बैक्टीरिया किसी को भी हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी उसको देख के जो है इम्यून रिस्पॉन्स, उसको रिकॉग्नाइज करके इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है, ठीक है। बट जो डीएनए वैक्सीन है या एमआरएनए वैक्सीन है, इसमें क्या करते हैं, जो वायरस है उसका एक जेनेटिक कोड ले लेते हैं। एमआरएनए या डीएनए वैक्सीन जो है उसमें क्या करते हैं, एक जेनेटिक कोड ले लेते हैं वायरस का, ठीक है। जैसे 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 कोविड के केस में एक जेनेटिक कोड ले लिया कोविड के वायरस का, जिससे क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन बनता है, और ये स्पाइक प्रोटीन के थ्रू क्या कर सकते हैं, तो जो कोरोना वायरस होता है वो ये स्पाइक प्रोटीन के थ्रू हमारी बॉडी में इन्वेड जो है हमारे सेल्स में इन्वेड करता है, और ये स्पाइक प्रोटीन जो है कोरोना वायरस का मार्कर है। तो इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पूरा का पूरा वायरस इन अवर बॉडी, हम क्या करते हैं, ये जेनेटिक कोड ले लेते हैं कोरोना वायरस से, जिससे स्पाइक प्रोटीन बनता है, फिर इस स्पाइक प्रोटीन इसको लेके जो है एक वैक्सीन बनाते हैं इस जेनेटिक कोड को लेके, और हमारी बॉडी में ये इंसर्ट करते हैं, राइट, एक हार्मलेस वायरल वेक्टर के थ्रू इंसर्ट करते हैं, और वो वायरल वेक्टर इसी टाइप के स्पाइक प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि जो स्पाइक प्रोटीन आया है ये बाहर से इंट्रूडर आया है, इसको अटैक करना है, इसको ये नहीं तो डैमेज करेगा हमें, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये जो है एक एक्सटर्नल वो है जो इसमें स्पाइक प्रोटीन होता है, उस पर अटैक करना है, और इसीलिए अगली बार मान लो जो अब कोरोना वायरस आ रहा है उसमें भी स्पाइक प्रोटीन है, राइट, तो जो ऑलरेडी हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स है उसको आइडेंटिफाई करके उस पर अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। बट डू रीड एमआरएनए, क्योंकि यहां पे मैं अगर आपको एमआरएनए और डीएनए वैक्सीन समझाने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बेसिक चीज देखो, सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो है डीएनए होता है, डीएनए के स्ट्रैंड आप देख रहे हो। अब ये स्ट्रैंड को अगर हम खोलें तो इस स्ट्रैंड में ये देख रहे हो आप, ये जो है आपका डीएनए का एक पार्ट है, एक जीन है। जीन क्या होता है, जीन एक कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है जो जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका जो है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ये होता है, ठीक है, उसका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है उसको एमआरएनए बोलते हैं। दिस इज, अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो इज दी मैसेंजर आरएनए, मतलब ये जीन है, ये आपका जीन है पूरा, इसको ये डीएनए फॉर्म में है, इसी का अगर आरएनए टाइप का फॉर्म में लाएंगे इसको तो एमआरएनए बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इट
इट लीव्स द सेल न्यूक्लियस, तो सेल के न्यूक्लियस के बाहर जाता है और साइटोप्लाज्म में जाके ये रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो ये तो आपका ट्रांसक्रिप्टोन जो न्यूज में था, बट एमआरएनए प्लीज इसको कर लेना, ओके। कुछ नहीं तो इतना ही याद रखना, ठीक है, ये चीज ही याद रख लेना। क्या पता आपका अगर एमआरएनए पे क्वेश्चन आया, हो जाएगा इतने उससे ही, ठीक है। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक बार एमआरएनए को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट दैट वायरस कैन इन्फेक्ट। तो वायरस किस चीज को इन्फेक्ट कर सकता है? इट कैन इन्फेक्ट एवरीथिंग, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स। वायरसेस जो हैं उनकी प्रॉपर्टी ये याद रखो, जब तक वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है वो इनएक्टिव रहते हैं, वो रेप्लिकेट नहीं करते। वो रेप्लिकेट जब ही कर पाते जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाके वो उनके जो है न्यूक्लियर में मिल जाते हैं और फिर वो रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इट वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्लांट, दी आंसर इज डी, ठीक है। बाकी वायरसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर जान लेना कि कैसे वो जो है इन्फेक्ट करके जो है कैसे जो है रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। बट एक बेसिक प्रॉपर्टी इतनी भी अगर आप याद रखो कि जब तक वायरस जो है बाहर रहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं वो दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग, वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बाहर अपने आप से रेप्लिकेट नहीं करते हो, ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखना वायरस की, ठीक है। दैट वायरसेस कैन नॉट रेप्लिकेट ऑन देयर ओन आउटसाइड, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया, फंगाई ये हैं जिनको अगर बाहर, ये अपने ऑन देयर ओन भी रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, तो कॉमनली यूज कंज्यूम्ड मटेरियल्स और उसमें क्या अनवॉन्टेड कंट्रोवर्शियल केमिकल्स हैं। 2017 में अगर आपको पता होगा चाइनीज फास्ट फूड या जो मैगी था उसमें बड़ा इशू आया था कि उसमें जो है एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जो हार्मफुल होता है हमारे लिए, ठीक है, मैगी में। इसके कारण बैन भी हुई थी मैगी, ठीक है। सो अगेन अ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना पता है कि चाइनीज फास्ट फूड 3 है, तो 2, 3 ये, ठीक है। बाकी लिपस्टिक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो लिपस्टिक में भी कई बार लेड मिलता है और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल मिलता है। तो दी आंसर इज डी, राइट। सो अगेन देखो ये करंट अफेयर्स बेस्ड है, अगर आपने पढ़ा होता तो ही कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ ओलेड पे, तो अगेन दिस इज एन टेक्नोलॉजी, इट वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी जो काफी चर्चा में थी, न्यूज में थी 2017 में। ओलेड, तो लेड क्या होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसे डायोड जो लाइट इमिट करते हैं। और ये लाइट इमिटिंग डायोड बेसिकली क्या, जिसमें अगर हम करंट पास करेंगे, इस ऐसी डिवाइस होती है एलईडी जिसमें अगर आप करंट पास करोगे तो वो लाइट इमिट करते हैं। ओलेड क्या है, इस टाइप की एलईडीज हैं जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं। तो एलईडी में हम क्या कर रहे थे, इट वाज अ सेमीकंडक्टर, इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे थे, ओलेड ऑर्गेनिक। सो ओलेड में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, और बिकॉज हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ओलेड की जो लेड से उसको डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि ये सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है। दे आर सेल्फ ओलेड आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, जबकि एलईडी है, एलईडी को जो है क्या चाहिए होता है, या एलसीडीज होते हैं या जो भी होते हैं इनको एक डिस्प्ले चाहिए, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग नहीं होते, ठीक है। तो ओलेड डिस्प्लेस कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, यस, ठीक है। रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लॉथिंग कैन बी मेड यूजिंग ओलेड, यस, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं सो दे आर फ्लेक्सिबल, ओके। इनको जो है मतलब फ्लेक्सिबल प्लास्टिक या किसी भी सरफेस पे जो है आप डिस्प्ले बना सकते हो, ठीक है, क्लॉथिंग पे कहीं भी आप जो है डिस्प्ले बना सकते हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज भी बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत वर्सेटाइल नेचर के होते हैं ओलेड, अलग अलग टाइप के आप डिस्प्लेज बना सकते हो। द आंसर इज सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है, SCNT टेक्नोलॉजी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस टेक्नोलॉजी बेसिकली इज यूज फॉर, अगर आपको पता हो, क्लोनिंग, ओके, प्रोडक्शन ऑफ बायो लार्विसाइड्स या मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, या प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीजेस। तो SCNT टेक्नोलॉजी जो है दिस इज यूज फॉर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। तो अगर बेसिक साइंस अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आंसर कर पाओगे। अगेन दिस इज समथिंग जो आपको पता है तो पता है। तो देखो दो ही सोर्स है, एनसीईआरटी 6 to 10 और करंट अफेयर्स,
बस ये दो चीजें कर लोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आप ज्यादातर जो यूपीएससी के हैं प्रिलिम्स के वो कर पाओ। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट, ई लाइजा प्रोजेक्ट। ये 2017 में काफी न्यूज में था। तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, स्पेस में बेसिकली अर्थ के अराउंड। अब ग्रेविटेशनल वेव्स को हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या है कि हमारा जो स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह है, और ये जो ई लाइजा है तीन इसमें जो है सेटेलाइट बड़ी दूर दूर पे रख दिए हैं, और कोई भी जो अगर ऐसा वेव आएगी ग्रेविटेशनल तो जो डिफरेंस है दो सेटेलाइट्स में वो चेंज होगा, उससे ये ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज डिटेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स बाय सुपर मैसिव ब्लैक ब्लैक होल्स। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो 2-3 साल पहले जो है ग्रेविटेशनल वेव्स भी काफी न्यूज में था। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, और अगर आपने ये टर्म सुना होगा तो चर्प, ये टर्म भी सुना होगा, सो दैट वुड ऑल्सो यू नो आपको जो है एक आइडिया देगा। अगेन करंट अफेयर्स की चीज है, अगर आपने पढ़ी होगी तो यही है कि अभी रेलिवेंट नहीं है, बट अगेन अभी भी कोई यहां से क्या आपका टेक अवे कि अभी भी कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है, अगर अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी होती है, करंट अफेयर्स खोल के देखो, कोई इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी होती है उस पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, उसको अच्छे से समझो और पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट इज द टर्म्स इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल, समटाइम्स सीन इन यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, सो जो इवेंट होराइजन है बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू ब्लैक होल्स, और ब्लैक होल्स की बात 2017 में इसीलिए हुई थी कि दो मेजर ब्लैक होल्स क्या हुए थे, बेसिकली मर्ज हुए थे, और वो मर्ज हुए थे उनके कारण ग्रेविटेशनल वेव्स निकली थी। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स की तो बात हुई थी, उससे रिलेटेड ब्लैक होल्स की बात हुई। ब्लैक होल्स में इवेंट होराइजन वो एरिया है जहां से जो है लाइट भी नहीं एस्केप कर पाती। ठीक है, यानी इवेंट होराइजन के बियॉन्ड कोई भी चीज जो है ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका बेसिकली लिंकेज है टू यू नो आंसर है ए, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, नाउ विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन न्यूज बी यूज इन इमीडिएट फ्यूचर। तो ये भी अगेन आप देख रहे हो, अगेन एंड अगेन आप देख रहे हो करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो प्लीज इट इज अ वेरी यू नो रिक्वेस्ट कि अगर साइंस से टेक से डील करना है तो अगर मान लो स्टैटिक किया भी नहीं, कोई बात नहीं, आप स्टैटिक को साइड में रखो अभी। ठीक है, स्टैटिक की टेंशन मत लो, करंट अफेयर्स उठाओ। जैसे मैंने बताया न्यू टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज का इम्प्लीकेशन, उनका व्यूज, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स, राइट, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज या जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, इन सब पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, नाउ जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप। इट कैन बी यूज्ड टू डिसाइफर होस्ट पैथोजन रिलेशन इन क्रॉप। तो जीनोम सीक्वेंसिंग अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो आप इजीली समझ सकते हो कि दैट उसका एप्लीकेशन क्या होगा। ये टेक्नोलॉजी है एंड क्वेश्चन इज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। जीनोम सीक्वेंसिंग यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम को हम देखें, उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफरेंट जीन्स हैं वो आइडेंटिफाई करें, और वो जीन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आइडेंटिफाई करें। अब अगर आप ये समझते हो तो इससे आप देख लोगे कि जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज, यस, जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो डिजीज से रिलेटेड होंगे तो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होंगे जो ड्रॉट टॉलरेंस देंगे क्रॉप प्लांट्स में तो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये किया जा सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग से। दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप। डेफिनेटली नॉर्मली अगर हमें पता नहीं है कि किस प्लांट में अच्छे जीन्स है, राइट, सो क्या होगा, हम रैंडमली ट्राई करते रहेंगे जब तक हमें पता नहीं चले। बट अगर हमें क्लियरली पता है कि इस प्लांट में अच्छे जीन्स है और इसमें ऐसे जीन्स है, तो उन जीन्स को लेके जो है हम प्लांट की ब्रीडिंग कराएंगे और जो है न्यू वैरायटीज, बेटर वैरायटीज, या फिर इनफैक्ट उस जीन को लेके जो है क्या कर सकते हैं, हम उस जीन को लेके हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो है जीन्स के अराउंड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जीन जीनोम रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जीन्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप जो है उस जीन को लेकर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये कर सकते हो। इट कैन बी यूज टू डिसाइफर होस्ट पैथोजेन रिलेशनशिप इन द क्रॉप्स, यस ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो वैसे ही अगर पहले दो क्लियर हैं तो वन एंड टू भी देखो आप, तो आंसर अपने आप आपका डी निकल जाता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक सेल होती है, उसके इनसाइड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है, और जीन बेसिकली कोड करता है फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। कि जीन में कोड होता है, उस कोड के अकॉर्डिंग क्या है, सेल आपके प्रोटीन्स क्रिएट करता है, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, जो बॉडी के आपके फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते कौन, प्रोटीन्स। तो ये पूरी चेन आप अगर समझ जाते हो सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन डूइंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। तो ये 2017 में कराया गया था, तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका आंसर करना, बट स्टेटमेंट्स देखो जरा, लुक एट द स्टेटमेंट्स, लुक एट द स्टेटमेंट्स, जरा स्टेटमेंट्स देखो। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ अवर कंट्री, एवरी सिटी ऑफ अवर कंट्री इन टू अ स्मार्ट सिटी इन अ डिकेड। क्या ये पॉसिबल लगता है, क्या गवर्नमेंट ऐसा सोचेगी भी? स्मार्ट जो सिटीज प्रोग्राम में तो गवर्नमेंट ने 100 सिटीज ली थी, राइट, 100 सिटीज ली थी स्मार्ट इंडिया प्रोग्राम में, और वो भी गवर्नमेंट जो है अभी जो है उसके प्रोग्रेस इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, तो क्या गवर्नमेंट कुछ और ऐसा लॉन्च करेगी कि हम एक डिकेड में मतलब ऐसा टारगेट बनाएगी? नहीं। इजेंट इट लुकिंग बिट एक्सट्रीम, इजेंट इट एक्सट्रीम, राइट, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। अब ये थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग All financial transactions, all, again an extreme thing. क्या ये possible है कि सारी financial transactions हमारी country में completely digital हो जाए? All, आप समझ रहे हो कितना extreme, कि cash होगा ही नहीं, notes होंगे ही नहीं, क्या government ऐसा करना चाहेगी या करेगी या कर पाएगी? नहीं। तो दोनों को eliminate करो, आपके पास बचता है B, that is your answer. तो ये चीज है कि आप थोड़ा ध्यान रखना, और एक और चीज आपको पढ़नी है यहाँ पे, कृतज्ञ हैकाथॉन, ये कौन कराता है, किस लिए कराता है, ये पढ़ना है। ये मैंने इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में भी कवर किया है, ठीक है, कृतज्ञ हैकाथॉन, ठीक है। तो अगेन एक्सट्रीम चीजों को जो है इलिमिनेट करना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, लॉजिक लगाओ, थोड़ा विश्वास रखो अपने ऊपर, थोड़ा जो है आप जनरल जो चीजें देख रहे हो डे टू डे में उसके बेसिस पे भी आप चीजों को एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को इलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं जब, बी केयरफुल, ओके, एंड डू रीड अबाउट कृतज्ञ हैकाथॉन। बेसिकली एक हैकाथॉन है जिसमें फार्म मैकेनाइजेशन फोकस है, फार्म मैकेनाइजेशन की नई नई टेक्नोलॉजीज लाए जिससे फार्म्स को मैकेनाइज करें, ये फोकस है, प्लस कैसे वुमेन फ्रेंडली फार्म इक्विपमेंट। तो कृतज्ञ हैकाथॉन का मैं बताई देता हूं, दूसरी चीज वुमेन फ्रेंडली, तो पहली चीज है इसमें आपका फार्म मैकेनाइजेशन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजीज लाया जाए वो, दूसरा वुमेन फ्रेंडली, ये प्लीज ध्यान में रखना, इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, वुमेन फ्रेंडली जो है मशीन्स, फार्म मशीन, वुमेन फ्रेंडली फार्म मशीन जो वुमेन यूज कर सके फार्म, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जीका वायरस पे है, अगेन करंट अफेयर्स, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट करंट अफेयर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन ट्रॉपिकल रीजंस जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू, यस इट इज गिप्टी, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उस टाइम पे जब आई थी ये डिजीज तो इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, उसमें बताया था किसी भी डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमेशा रहता है। तो आप भी आई थिंक कोविड के ऊपर तो कोई नहीं पूछेगा, बट अगेन कोविड और भी कोई जो डिजीजेस हैं उनका जो रिलेटेड किस कैसे वो ट्रांसमिट होती है इसको जरा जरूर ध्यान से देख लेना, ठीक है। डेंगू और मलेरिया के लिए तो डिजीजेस को भी देखना, ठीक है, डेंगू एंड मलेरिया कि कौन इस डिजीज को कॉज करते हैं, उनके वेक्टर्स जो इसको ट्रांसमिट कैसे होती है डिजीज, ये जरूर देखना, ठीक है।
नाउ एक और चीज है, कंसिडर द फॉलोइंग फेनोमेना 2018 में आया, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, विच ऑफ द अबाउ प्रिडिक्शन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया। तो इनमें से कौन सी चीजें जो है मीडिया में डिस्कस की गई, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रिडिक्शन में है। ठीक है, सो देखो ये बड़ा टफ लग रहा है आपको, बट अगेन अगर आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता है तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि आपका स्पेस और टाइम एक कॉन्टिन्यूम में है और एक फैब्रिक की तरह है, फैब्रिक की तरह है, दैट स्पेस और स्पेस टाइम इज अ फ्लैट फील्ड, ये कपड़ा है, एक फैब्रिक की तरह है, और जैसे ही कोई भी मास आप इस पे डालते हो तो कर्व होता है। अभी कर्व होता है तो ये कर्व के कारण जो है आप ग्रेविटी फील करते हो। तो आइंस्टीन बेसिकली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या समझा रहा है कि ग्रेविटी क्यों होती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेविटी, ये समझा रहा है आइंस्टीन। ठीक है, तो ग्रेविटी आइंस्टीन के हिसाब से इसलिए होती है कि पूरा स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह है और उसमें कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो स्पेस टाइम के फैब्रिक पे रखोगे तो वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को दबाएगा, इट विल क्रिएट अ कर्वेचर, और बिकॉज ऑफ दैट कर्वेचर अगर कोई भी चीज मान लो मैं यहाँ पे कोई दूसरी बॉडी होती तो बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर इट विल बी पुल्ड टूवर्ड्स दिस बॉडी। ठीक है, इस बॉडी की तरफ वो जो है पुल होगा। ठीक है, जरा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये मान लो छोटी बॉडी है, ये छोटी बॉडी इसकी तरफ क्यों पुल होगी, बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर, जो स्पेस टाइम में कर्वेचर क्रिएट करती है ये बॉडी, बिकॉज ऑफ दैट कर्वेचर ये छोटी बॉडी पुल होगी उसकी तरफ। ओके, और इसी यही बेसिस है ग्रेविटी का, तो इस तरीके से आइंस्टीन ने ग्रेविटी समझाई थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ग्रेविटी, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, ग्रेविटी से रिलेट करती है। ठीक है, तो लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यस, इसको ये फेनोमेना भी देखा गया, इसको बोला गया है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। कई बार देखा गया है कि स्टार्स के अराउंड जो है लाइट कर्वेचर में बेंड हो जाती है। ठीक है, कई बार देखा गया, इसीलिए कई बार जो है रियल और अपेरेंट पोजीशन जो स्टार्स की है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सो यस दिस इज करेक्ट दैट लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, ये भी रिलेटेड है। मान लो यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि कोई फोर्स उसे पुल करे, मान लो कोई फोर्स नहीं होती, ये ऐसा आपका जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है, इफ देयर वाज नो आउटवर्ड फोर्स जो इसको पुल कर रही है एक्सपैंड करे, तो क्या होता, ये पूरा क्या ड्रॉप हो जाता है, ये तो ये पूरा कुछ होल्ड कर पाता, क्या ये फैब्रिक इसको होल्ड कर पाता, नहीं, तो एक एक्सटर्नल फोर्स भी है, दैट इसी बेसिस पे कहा गया है कि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। तो मान लो एक कपड़े को मैंने पकड़ रखा है तो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ ना, तभी जो जो है वो उसको होल्ड कर पा रहा है स्पेस टाइम के फैब्रिक में, नहीं होता तो वो तो गिर ही जाता, कहाँ गिरता पता नहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये भी है, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना ग्रेविटेशन, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बेसिक वे में समझना है चीजों को, क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, जनरल स्टडीज है ये। ठीक है, तो बेसिक वे में जो है आपको समझना, मैटर वार्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके। ठीक है, तो मान लो आपको 1 2 नहीं पता है, 3 तो पता था, 3 3 3, अब इसमें आपको तुक्का लेना पड़ता है, बट वैसे इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, तीनों सही है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स समटाइम्स सीन इन न्यूज वर्सेस द कॉन्टेक्स्ट टॉपिक, तो ये है, तो इसमें देखो आपको दे रखा है कि ये चीज न्यूज में थी, ये चीज न्यूज में थी, अगेन करंट अफेयर्स, ये चीज न्यूज में थी, क्रिस्पर कैस नाइन ये न्यूज में था, तो ये क्रिस्पर कैस नाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो दिस इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिकली क्रिस्पर कैस नाइन से क्या कर सकते हो कि आप कहीं भी एक स्पेसिफिक जगह पे जिस जीन को आपको काटना है उस जीन को एक बहुत प्रिसीजन के साथ जो है काट सकते हो। ठीक है, इट इज अ जेनेटिक सीजर जो बहुत प्रिसीजन के साथ आप काट सकते हो किसी भी जीन को, सो इट डज नॉट डील विद, दिस डज नॉट डील विद पार्टिकल फिजिक्स, सो दिस इज एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट किया मैंने, देखो मेरे पास बचा टू, बी टू ओनली। ठीक है, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल करेंसी से रिलेट करता है। ठीक है, सो द आंसर इज बी, और बेले टू एक्सपेरिमेंट जो है आपका इट इज एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर। ठीक है, तो ये आई होप आपको इससे एलिमिनेशन का भी मतलब समझ आया कि एक चीज भी पता है जरा सी आपको एलिमिनेट करोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स,
यस यस, ये आप मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो अर्थ की, ओके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की तरह है, ठीक है। और अगर आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की तरह है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है दैट इज एट द साउथ पोल, ठीक है। और मैग्नेटिक साउथ पोल जो है एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मतलब पोल्स उल्टे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये फोर्स जो है टाइम टू टाइम जो है अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स का जो फील्ड का जो है रिवर्सल होता रहता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी ये है कि ये हमें सोलर स्टोर्म्स वगैरह इन सब चीजों से बचाता है, ठीक है। और ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये क्यों होती है? बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस ये दो होती हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स। इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें जो चार्ज सोलर पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और वो जब आयनाइज, जब हाई एनर्जी वो रेडिएट आउट करते हैं, तो ये जो है नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स जो है ये पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। व्हेन अर्थ वॉज क्रिएटेड मोर देन 400 मिलियन ईयर्स अगो, देयर वॉज 54% ऑक्सीजन, नो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि जब इनिशियली अर्थ क्रिएट हुआ था तब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन कैसे आई? जब क्रिएट हुआ, बारिश हुई, ओशंस बने, ओशन में लाइफ आई, और वो जो लाइफ आई वो ग्रेजुअली ऑक्सीजन उसने छोड़ना शुरू किया। वो ऑक्सीजन से आपका पहले वाटर सेचुरेट हुआ, फिर वाटर जब ऑक्सीजन से सेचुरेट हो गया तो उससे जो है ऑक्सीजन निकल के एटमॉस्फेयर में आने लगी। तो ये जो है आपका गलत है। अब आपका थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, दिस इज करेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया। सो द आंसर इज सी। ओके नाउ कंसीडर द फॉलोइंग, बर्ड्स, डस्ट बॉलिंग, रेन, विंड, विंड ब्लोइंग, ठीक है, डस्ट ब्लोइंग एंड विंड ब्लोइंग, ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीजें प्लांट में डिजीज स्प्रेड कर सकती हैं? बर्ड्स तो 100% आप सबको पता है, उनकी ड्रॉपिंग्स वगैरह में कई बार जो है स्प्रेड करती हैं, ठीक है। वन तो है आपका, अब आपको पास हो गया 1 2 3 4, या 1 2 4 या 1 3। तो देखिए नॉर्मली ऐसे में कंफ्यूज हो आप, रेन भी है, रेन कैसे? रेन या तो एसिड रेन होती है, या कई बार रेन के जो ड्रॉप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स जब स्प्लैश करते हैं तो कोई बैक्टीरियम को जो है प्लांट के ऊपर जो है स्प्रेड कर सकते हैं वो, ठीक है। तो ड्रॉप्स स्प्लैश करते हैं या एसिड रेन, तो उससे भी डिजीजेस स्प्रेड होती है। तो रेन भी हो गया, 3 भी हो गया, तो 1 एंड 3 या ए और डी में अब आप कंफ्यूज हो। अब देखो डस्ट ब्लोइंग और विंड ब्लोइंग, देखो विंड ब्लो जब करती है तो फंगाई, जो कई बार फंगाई कैसे स्प्रेड होते हैं? स्पोर्ट्स के थ्रू। उनके स्पोर्ट्स कैसे जाएंगे? विंड, बहुत लाइट होते हैं, विंड के थ्रू स्प्रेड होते हैं। तो फंगाई जो होती है वो स्पोर्ट्स छोड़ती है अपने, वो स्पोर्ट जो है विंड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए विंड ब्लोइंग जो है कई बार आपके प्लांट्स में डिजीजेस स्प्रेड कर सकती है। तो द आंसर बिकम्स डी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 इज विथ रेफरेंस टू, देखो इसमें टोटल अराउंड 70 क्वेश्चन है, अभी थोड़े बहुत ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी बचे क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। विथ रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ अगेन दिस इज करेंट अफेयर्स, बेसिकली धारा 11 करके जो था एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप डेवलप की थी दीपक पेंटल ने इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन डीयू, एंड ही वाज आल्सो द वाइस चांसलर ऑफ डीयू, ठीक है, दीपक पेंटल। तो तब किया था, और उसको क्रॉप को लेके, जीएम मस्टर्ड को लेके काफी जो है कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, काफी न्यूज में रहा था वो, ठीक है, इसीलिए उस पर क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए कोई, एज अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, डेवलप हुई है, जो काफी चर्चा में है, जो काफी न्यूज में है, तो उसके ऊपर जरूर पढ़ना करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जीएम मस्टर्ड हैज जीन्स ऑफ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव्स द प्लांट प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस, नहीं ये किसके लिए था? ये जीएम कॉटन के लिए था। जीएम मस्टर्ड में बेसिकली क्या है, दे आर नॉट पेस्ट रेजिस्टेंट बट दे आर हर्बिसाइड टॉलरेंट, ठीक है, एचटी टॉलरेंट है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। इससे फायदा क्या होगा कि बेसिकली आपके फील्ड से उसमें जीएम मस्टर्ड आपने ग्रो किया, अब ये तो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, मतलब हर्बिसाइड छिटकोगे तो जीएम मस्टर्ड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो वीड्स है दूसरी वो इजीली मर जाएंगी, ठीक है। तो
तो इसीलिए ये वाला गलत है, तो वन गलत है। अब आपका टू एंड थ्री ऑनली, तो थ्री भी आपका गलत है। जैसे मैंने बताया आईआईटी इन पंजाब नहीं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी था, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, तो इस टाइप के थोड़े फैक्चुअल चीजें भी आ सकती हैं आपको, ये भी ध्यान रखना। तो आंसर इज बी। सो दिस इज इट राइट नाउ। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, देर आर अराउंड अराउंड 30 क्वेश्चंस रिमेनिंग, जो हम कल करेंगे और हम देखेंगे। बट होपफुली आपने देखा ट्रेंड की करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट कि प्लीज एक बार करंट अफेयर्स जरूर रिवाइज कर लेना फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसमें क्या चीजें देखनी है होपफुली आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। ठीक है गाइज, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो विद द रिमेनिंग 30 प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।